अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी यानी चेंज इन फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में हमने एक रिलेशन निकालना है। ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। इक्विलिब्रियम के केस में हम जो है ए कैपिटल और बी कैपिटल ये रिएक्टेंट के नाम हैं। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी जो है जो इनके स्टोचियोमेट्रिक कॉफिशेंट बोलते हैं जिसको बैलेंस करने के लिए हम लिखते हैं। कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट हो गया, इसी तरह से स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी स्टोचियोमेट्रिक कॉफिशेंट हो गई। तो रिएक्शन कॉफिशेंट को हम कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन की फॉर्म के अंदर ऐसे लिखते हैं प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट और इनकी पावर बना देते हैं। ये पावर जो है रिएक्शन कॉफिशेंट भी स्टोचियोमेट्रिक कॉफिशेंट भी हो सकते हैं, अदरवाइज इनकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटल भी निकालते हैं तो वो अलग भी हो सकते हैं। पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो पी हम इसके साथ ऐड कर देंगे सभी के आगे, क्यू पी मतलब ये कांस्टेंट, ये कंसंट्रेशन की फॉर्म में हो गया, ये पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में हो गया अगर इन केस ऑफ गैस की स्टेट है तो। ठीक है, तो रिएक्शन कॉन्स्टेंट और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो है वो सिमिलर ही होते हैं। तो रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है तो कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम वैल्यू में आ जाते हैं। तो इसी वजह से Q की वैल्यू और K की वैल्यू, Q इज द रिएक्शन कॉन्स्टेंट एंड K इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है जब स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं होते हैं तब हम इनकी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी प्लस RTLN, ये हम गैसीय स्टेट की फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो RTLN Q, Q इज द कोसेंट, इसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए जब डेल्टा जी जो है इसके केस में गिब्स फ्री एनर्जी है, जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, क्यू रिएक्शन कोसेंट है। इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं जीरो होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू दिस वन, डेल्टा जी इज जीरो, तो डेल्टा जी जीरो, तो क्यू इज इक्वल टू के की फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे सो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस RTLN, क्यू की जगह पे के लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये केस हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा जी को उधर ले जाएं और ये RT जो है ये RTLN के नेचुरल लॉग ऑफ के माइनस की फॉर्म में रह जाएगा, यानी एक को दूसरी तरफ ले जाएं। तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू जो है ln को हम रिप्लेस करेंगे लॉग 10 की फॉर्म में, तो ये हमारे पास 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ गया डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू के की फॉर्म में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद के की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू मोर देन 0 होगी, ये ध्यान रखना है, ये दो तीन बार लिख के देखना है। के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी, बस बात खत्म। इसके बाद आता है हमारा लास्ट थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नर्नस्ट हीट थ्योरम भी इसको बोलते हैं। सिर्फ एक बात है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, कि जब किसी भी सब्सटेंस को क्रिस्टल की फॉर्म में जी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी -273 डिग्री टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर पे ले आएंगे किसी की, परफेक्ट क्रिस्टलाइन बन जाएगा। परफेक्ट क्रिस्टलाइन जब बन जाएगा तो परफेक्ट क्रिस्टलाइन के अंदर कोई भी रेंडमनेस नहीं होगी। टी जीरो टेम्परेचर, टी जीरो मतलब एब्सोल्यूट जीरो, -273 डिग्री सेल्सियस पे एंट्रोपी हो जाएगी जीरो, बस इतनी ही बात है थर्ड लॉ के अंदर और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। और आप अगर इसके एमसीक्यू अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा आप flameinstitute.com वेबसाइट पे जाइए, वहां से नीट का या आईआईटी का आप अपना पैकेज सेलेक्ट कीजिए। 1000 रुपीज़ में है, जिसमें सारे वीडियो लेक्चर भी हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसके साथ साथ
10,000 से 15,000 के करीब आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, सिर्फ 1,000 रुपये के अंदर। थैंक यू। 1,000 रुपये में ये पैकेज लेने के बाद आप पैकेज परचेज वेबसाइट से कीजिए, सेम आईडी से आप ऐप फ्लेम इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके सेम आईडी से वहां पे लॉग इन कीजिए, वहां पे माई कोर्स के अंदर आपको ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐप से ये जो है हमने पैकेज नहीं रखा है ऐप के ऊपर, ऐप के ऊपर इंडिपेंडेंट चैप्टर वाइज हैं। पैकेज वेबसाइट है flameinstitute.com, वहां से परचेज करके ऐप से आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।